मैं काशी में हूँ, मेरा सौभाग्य है मैं दशाश्वमेध घाट पर हूँ और यहीं पर अभी आरती होनी है गंगा जी की आरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं आएंगे, इस पर मैं टिप्पणी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी कर दी है, मैं चाहूंगा उस पर आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि आखिरी समय में आदमी वही जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अखिलेश यादव जी जो पहले ये बोल चुके हैं कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक होता है, विदेश में क्रांति का प्रतीक होता है कम्युनिस्टों में, वो उसी मानसिकता से ग्रस्त रखते हैं। अखिलेश यादव जी को कितनी हिंदू धर्म और हिंदुत्व की समझ है मान्यवर, आखिरी समय में नहीं जाता है, मोक्ष के लिए जाता है। और ये देखिए इनकी बुद्धि की बलिहारी, इनको अंतिम समय और मोक्ष का अंतर नहीं पता है, और ये सब लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बड़े व्याख्याता हो जाते हैं। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल भारत गुलामी की मानसिकता से मोक्ष प्राप्त कर रहा है। 20वीं सदी में हमें स्वराज मिला, राज मिला, उसमें स्व का तत्व नहीं था। चाहे लोकमान्य तिलक ने उस स्वराज की बात कही या महात्मा गांधी ने स्वराज की बात कही, आज वह स्व का तत्व उभर रहा है और दासता से मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। यह बात कहां समझ में आने वाली है उन लोगों को, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी न करते हुए कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और वो जितना विश्वमन करना है कर लें। अरे हम तो भगवान शंकर के अनुयायी हैं, विश्व को भी कंठ में धारण करके नीलकंठ बनते हैं। मैं एक पंक्ति कहूंगा, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और आगे मगर यह भी ध्यान रखें, इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, प्रलयंकर हूं महाकाल बन, पापों का अवसान किया है और मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है। तो इसलिए वो जो करना हो करते रहें, परंतु नीलकंठ बनकर हम कल्याण भी करते रहेंगे और समाज की सेवा में संलग्न भी रहेंगे। एक और जल्दी से कोई कमेंट, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या बड़ा मैसेज आपके हिसाब से, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, जो सालों साल यहां पर चर्चा रही कि 70 साल ये मुद्दे अछूत रहे, कोई इनको टच नहीं करना चाहता था, कम्युनल हो जाता था। मतलब आज देखिए, मैं केदारनाथ भी गया था, मुझे याद है मैं केदारनाथ से लेकर काशी तक और मथुरा से लेकर बद्रीनाथ तक, ये जो तीर्थ स्थलों का कायाकल्प, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण जो हो रहा है, मतलब कोई प्रधानमंत्री गंगा जी में डुबकी लगाएगा, कोई प्रधानमंत्री गंगा जी की आरती अटेंड करेगा, डुबकी लगाएगा, आचमन करेगा, ये तस्वीरें सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया ने हम नहीं एक्सपेक्ट करी थी। क्या मैसेज है बड़ा सुधांशु त्रिवेदी? देखिए बड़ा मैसेज ये है, ये मैसेज सिर्फ काशी के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, वैश्विक मैसेज है। क्योंकि हम दुनिया की एकमात्र चिरंजीवी संस्कृति हैं जो अनादिकाल से आज तक है, विश्वव्यापी हमारा प्रभाव है, इसलिए भारत का वैभव और गौरव दोनों उठना चाहिए। और जो लोग इसमें सांप्रदायिकता देखते हैं, अमन जी जो सांप्रदायिकता देखते हैं और जो कहते थे सब पोंगा पंडित पना है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं 21वीं सदी में विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। और जाके सन लेबोरेटरी की आप लॉबी में देखिए, वहां भगवान शंकर की तांडव करती हुई नटराज की वह मूर्ति है, जो प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति, और उसके बारे में विश्व के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने बोला था कि द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, विच इज अ हिंदू थिंकिंग, एंड ओनली द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मैचेज विद द एंशिएंट हिंदू कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। तो ये सिर्फ भारत के सांस्कृतिक गौरव ही नहीं, विज्ञान के गौरव और ज्ञान की विराटता का भी प्रतीक है, जो कहीं ना कहीं भारत के जगत गुरु बनने का प्रथम सोपान है, परंतु उसको समझने के लिए विराट बुद्धि की भी आवश्यकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, श्री कल्कि पीठाधीश्वर। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 में, डंके की चोट पर। मेरा सौभाग्य है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं इस वक्त गंगा जी के बिल्कुल पास हूँ, दशाश्वमेध घाट पर हूँ, आरती बस शुरू होने वाली है। एक टिप्पणी आपकी आचार्य जी की, काशी मतलब जब जब सांस्कृतिक इतिहास की बात होगी तो अहिल्याबाई होलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर आएगा काशी के पुनर्निर्माण को लेकर, वो श्रेय तो हमको उनको देना होगा आचार्य जी। देखिए सनातन धर्म का आधार है काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख रूप से उनका जिक्र आता है, और काशी के बिना सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की कल्पना करना भी व्यर्थ है। काशी के विषय में जितना कुछ कहा गया है तमाम शास्त्रों में, उसमें आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ
संपन्न की है, ये आस्था का विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उससे सनातन धर्म के तमाम मानने वालों को बड़ी खुशी हुई है। देश का प्रधानमंत्री अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति समर्पित होता है, श्रद्धा रखता है, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज होने का सवाल ही नहीं है। ये एक प्रसन्नता का विषय, हर्ष का विषय है। लेकिन एक विषय है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का, और एक विषय है राजनीति का, राष्ट्र का। यदि इस विषय को राष्ट्र की राजनीति से जोड़ा जाएगा तब सवाल खड़े होंगे। लेकिन जहां तक आस्था का विषय है, मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे तीर्थ स्थानों पर इसी तरह जाते रहे, महादेव की कृपा उन पर बनी रहे।